शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योर ऑनर, बरसात की उस रात रोशनी से चकमगाते शहर से दूर स्लम्स में झोपड़पट्टी में गंदे नाले के किनारे एक मां ने एक बच्चे को पैदा किया, जिसे हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी क्रिमिनल्स का अड्डा समझती है, वो झोपड़पट्टी, और वो बच्चा मैं था। मैं, और मेरा गुनाह चोरी नहीं है जज साहब, मेरा गुनाह चोरी नहीं है, मेरा गुनाह गरीबी है, गरीबी। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप दुनिया के तमाम गरीबों को फांसी पे चढ़ा दीजिए, उन्हें मौत की सजा दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, दुनिया से क्राइम मिट जाएगा योर ऑनर, दुनिया से क्राइम मिट जाएगा, मिट जाएगा। या खुदा, इधर भी सलीम, तू कब निकलेगी इसके चंगुल से? मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसी। फंसी है बस, तुझे दिखता नहीं है। तू ना सच में इस देश की जनता जैसी है, बहुत आसानी से माफ कर देती है। अच्छा, अब मुझे भी माफ कर दे, तेरा मुंह ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ है। क्या? देख, फिल्म अवार्ड का पास। हाँ। हम सच में दो जिस्म एक जान है ना? नहीं, हम तो एक जिस्म और एक जान है। चीयर्स। चीयर्स। दोस्तों, तो अब बारी है एक ऐसे अवार्ड की जिसका इंतजार हम सबको बड़ी बेसब्री से है, द बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल अवार्ड। टू प्रेजेंट दिस अवार्ड, मे आई प्लीज कॉल अपॉन स्टेज मशहूर अभिनेत्री भावना मेनन। थैंक यू। सो द बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल अवार्ड गोज टू None other than our superstar, our favorite hero, Saleem Saab, for the film Anarkali. May I please request Saleem Saab to come upon the stage and take this award. Thank you very much. A big applause for Saleem Saab. Hello, sir. Congratulations, sir. Thank you. शुक्रिया। जब मैं ये पिक्चर कर रहा था तो मेरे दोस्तों ने बोला मत करो, वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, मना कर दो। कुछ ने बोला कि नाम बदल दो, अनारकली से सलीम की अनारकली कर दो। मैंने बोला नहीं, कहानी अनारकली की है तो फिल्म का नाम भी अनारकली ही होगा। वाह, होगा तो पहले मैं तुझे लेके जाती थी, अब तो मुझे लेके जा रही है। भूल गई, एक जिस्म एक जान। सुनिए, रुकिए, दिखाइए मैम, ये तो सिर्फ एक पर्सन का पास है, आप तो दो हैं, नॉट अलाउड। जाने दीजिए। शकीला मैम, आप मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिलेगा क्या? दोस्तों, आज इस मंच से मैं ये अवार्ड दुनिया के तमाम औरतों के नाम करता हूं, उन्हें समर्पित करता हूं। शकीला ये, शकीला ये, जल्दी चलो। अबे ये, अबे उस पुरुष को हटाइए, भाई लोग, अबे भाई लोग, एक मिनट, हाँ, ओके, थैंक यू। अरे हटो, एक एक सब जाने दो। अरे दीदी, ओके, सब यहीं आ गए। ओके, थैंक यू। हाँ, बाजू बाजू। सलीम साहब, सर मैं आज भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, मेरी फैन? सुनो, दो चार फिल्में देख लेने से मेरी फैन कहलाने लायक नहीं हो जाओगी। मेरे कई हजार फैंस क्लब हैं। मेरे फैंस जो है ना, सिर्फ मेरी पिक्चरें नहीं देखते, मेरे वसूलों आदर्शों पे भी चलते हैं, मेरी पूजा करते हैं। इज्जत बेच के दौलत कमा रही हो, क्या बोलूं तुम्हें, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। शकीला, बड़ी एक्ट्रेस मानती हो अपने आप को? नहीं, एक ऐसी फिल्म करो जो फैमिली ऑडियंस आ जाए देखने के लिए। बनाओ, सिर्फ ये दिखाती हो फिल्मों में,
परफॉर्मेंस दिखा ताकि फैमिली ऑडियंस आ जाए सलीम की फिल्मों की तरह और फैन बनने से पहले औरत बन जाओ। ए, चलो हट। नमस्कारम राजन सर। नमस्कारम नमस्कारम। कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनते ही तू मेरे लिए बिरयानी मंगवाएगी। क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मजाक नहीं है शकीला, मैं अभी अभी तेरे लिए नया मर्सिडीज बेंज बुक करके आया हूँ। सेंसर बोर्ड तेरी फिल्म को क्लियर कर रही है। सच? हाँ। शुक्र है, अब तो एक और सिल्वर जुबली पक्की। और नाम भी सोच लिया मैंने, जमाने को दिखाना है। हाँ? हाँ? नाम तो अच्छा है, है ना? हाँ हाँ। तो करते हैं ना, ये सब छोड़कर तू काम पर वापस लग जा। राजन सर, अब वो फिल्में मैं और नहीं कर पाऊंगी। मैं एक साफ सुथरी फिल्म करना चाहती हूँ। साफ सुथरी फिल्म? देख शकीला, जो बिकता है वही बेचना भी पड़ता है। हा? साफ सुथरी फिल्म दूसरे लोगों को करने दे, हम वो काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं, लोगों को रिझाना और उनसे पैसे निकलवाना। नहीं, देख मेरी बात सुन, तेरे पास तेरी खूबसूरती है जो लोगों को चाहिए, पंडित और जल्लाद दोनों जरूरी है इस दुनिया में, दोनों। और मैं क्या हूं इन दोनों में से? देवी है तू, देवी, लोग पूजा करते हैं तेरी। हाँ करते हैं, मगर चुपचाप, छुप छुप कर। पर दिल खोल कर दक्षिणा तो देते हैं, सोने में तोलते हैं तुझे। मुझे नहीं, मेरे जिस्म को। अरे जिस्म भी तेरा ही है ना। राजन सर, मैं सिर्फ इस जिस्म को अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ जो पूरी फैमिली मिलकर देखे। बस अब और नहीं, मैंने तय कर लिया है, अब मुझसे और नहीं होगा। आप चाय लेंगे या फिल्टर कॉफी? क्या चाहिए तुझे? एक पावरफुल रोल, रियल एक्टिंग, क्या बनना चाहती है? नर्स, स्कूल टीचर, एयर होस्टेस, पुलिस वाली, एक ऐसी पुलिस वाली जो हीरो के पिछवाड़े पे डंडा मारेगी, फटाक फटाक, उसके बाद लोग सिर्फ तुझसे डंडा खाने के सपने देखेंगे। क्या सर? क्या? अब मुझसे ये 2 मिनट में कपड़े उतारने वाले रोल नहीं हो पाएंगे। पैकअप, पैकअप हो जाएगा तो? तेरा भी और मेरा भी। आपको मेरी एक्टिंग पर भरोसा नहीं है क्या? तेरे एक्टिंग पर पूरा भरोसा है शकीला, पर पब्लिक पर नहीं। तेरी इमेज बन चुकी, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। और इस इमेज से हमने पैसे भी बहुत कमाए हैं। हाँ, पर अब मैं अपनी काबिलियत लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मतलब तू अपना इरादा नहीं बदलेगी? ठीक है, कहानी के बारे में कुछ सोचा है? मिल गई। क्या? क्या कहानी? बायोपिक, तेरी जिंदगी की असली कहानी। मैं चाहता हूं
कि लोग पर्दे के पीछे की शकीला को देख सके। हा? अब तक जो तूने किया वो सब भूलकर ये देखे कि तू यहां तक कैसे पहुंची। हा? बोल, करेगी? हाँ, मैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राइटर को बुलाऊंगा, सबसे बड़ा। मेरे सवाल पूरे हो गए डॉक्टर साहब, मुझे और कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अब यह दास्तां मैं लिखूंगा, आप तैयारी शुरू कर लीजिए। अरे अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जानते नहीं है ये कितना जरूरी है। आज तक लोग सिर्फ पर्दे के आगे वाले शकीला को ही देखते आए, अब हमें इस फिल्म में पर्दे के पीछे वाले शकीला को दिखाना है। चलिए चलिए।